हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की रेसिपी है मेथी लाचा पराठा, जो कि खास्ता के साथ साथ कुरकुरा भी है। अगर आपके पास ताजी ताजी मेथी के पत्ते और गेहूं के आटे हैं तो आप अनगिनत परतों वाले लाचा पराठा घर में बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेथी के पत्ते। तो सबसे पहले मेथी के हार्ड डंठल को निकाल करके इसे अच्छे से साफ कर लें और इसे बारीक बारीक काट लें। उसके बाद पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लें और किसी छन्ने के ऊपर इस तरह से रख दें जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच ऑयल, और ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप मेथी, और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जिससे ये जले नहीं, बस इसका मॉइस्चर हटाना है। और जैसे ये भून जाए, इसका पानी जो है वो हट जाए, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच सत्तू, या फिर अगर भुना हुआ बेसन है तो आप वो भी डाल सकते हैं सत्तू के जगह पे। 1 छोटी हरी मिर्ची और साथ में 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ कर लें। अब इसके लिए आटा बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, 1/2 चम्मच नमक, अजवाइन को क्रश करके डालें, कलौंजी 1/2 टीस्पून, इसे भी हाथ से हल्का सा क्रश करके डालें, और 1 चम्मच घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 5 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करें, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें, और इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और इसे कवर करके रेस्ट करने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए। 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो इसे एक बार अच्छे से मसल करके मिक्स कर लें। इस तरह से छोड़ करके उसके बाद गूंथने से आटा गूंथना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, और ये कितना चिकना भी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट, और कोई मेहनत भी नहीं लगा। तो इसी तरह जब भी आटा गूंदे तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसके 6 भाग में इसे डिवाइड कर लें, और एक बड़ा सा पेड़ा ले करके, बोल काफ़ी तो बड़ा ही लेना है। अब इसे बेल लें, और ध्यान रखें कि पूरी को थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, और इसके ऊपर हल्का सा घी डाल दें 1/2 टीस्पून के लगभग। और ये जो मेथी को हमने भून करके रखा था वो इसके ऊपर फैला देंगे। एक पूरी के ऊपर लगभग 3 स्पून मैंने डाला है, पूरे पूरी पे इस तरह से फैला देंगे, और इसको इस तरह से रोल बना लेंगे। और अब इसे इस तरह से दबाते हुए बहुत ही प्रेस करना है, और हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। और अब इसे सेकते हैं, और अब गैस को ऑन करेंगे, उसमें एक पैन को गर्म करेंगे, और इसमें डालेंगे घी, घी या ऑयल आप कुछ भी डाल सकते हो। ये पहली बार है तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है, और इस तरह से घी को पूरी तरह फैला लें। साथ ही इस पर डालेंगे तिल, तिल को तवे के ऊपर इस तरह से फैला लें, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, और इसके ऊपर पराठे को फैला लें, और इस तरह से हल्का प्रेस कर दें। और ये देखिए किस तरह से लेयर सारे खुलते जा रहे हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले।